नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है नाम से वशीकरण कैसे करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप किसी को भी वश में करना चाहते हो तो उसका नाम लिखकर वशीकरण कैसे किया जाता है। नाम से वशीकरण हमारी संस्कृति विरासत का अहम हिस्सा है। प्राचीन संस्कृति की धारा लंबे समय तक इन वशीकरणों के कारण ही आगे तक प्रभावित होती रही। नाम से वशीकरण शैक्षणिक ही नहीं तांत्रिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नाम से वशीकरण किसी को भी अपने वश में करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। स्त्री या पुरुष के वशीकरण के लिए अगर विभिन्न वैदिक या सामर मंत्रों के जाप और टोने टोटके उपयोगी होते हैं तो विविध उपायों के अनुसार बनाए गए यंत्र की पूजा से भी मनोवांछित परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, नाम लिखकर तैयार किए गए यंत्र से प्रभावित वशीकरण होता है। शक्तिशाली मंत्रों के जाप के बगैर ही इसका प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। नाम से वशीकरण यंत्रों का प्रयोग प्राचीन काल से उपयोग होता आ रहा है। वैसे यह एक तरह का तांत्रिक यंत्र है, यानी कि तांत्रिक साधना और मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले वैदिक अनुष्ठानों के अंतर्गत लौंग, सियार, सिंगी, काली हल्दी, नमक व हल्दी फोटो, तिलक आदि से वशीकरण की तरह ही नाम से भी वशीकरण किया जाता है। आजकल नई पीढ़ी युवा बिना कि पीढ़ी के अनुसार मानना है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नाम का आपके व्यक्तित्व पर खासा प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि जिस तरह मूलांक और भाग्यांक व्यक्तित्व के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार नाम का भी काफ़ी असर होता है। मैं सभी अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों से शुरू होने वाले नामों के व्यक्तियों में से किसी का नाम लेकर उसका वशीकरण काफ़ी आसान है। वशीकरण मंत्र टोने टोटके का प्रयोग के किसी भी व्यक्ति को वशीभूत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को वश में करके उसे अपने अनुरूप काम करवाने के लिए नाम के द्वारा वशीकरण किया जाता है। किसी व्यक्ति को वश में करके उससे अपने अनुरूप काम करवाने के लिए नाम द्वारा वशीकरण कैसे किया जाता है, दोस्तों ये मैं हम आपको आज बताएंगे। आप जिस किसी व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं उसका नाम एक कोरे कागज पर लिख कर उसे एक काले कपड़े में बांध दें। इसके लिए आपको 7 पान के पत्तों, पानी और सिंदूर की आवश्यकता होगी। प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निपटने के बाद जिस व्यक्ति का प्रेम आप पाना चाहते हैं उसका पान के पत्तों पर नाम लिखकर पान का बंडल बना दें और उस पर सिंदूर का छींटा मारें। दोस्तों, अब इन पत्तों को एक कटोरे में पानी में डुबो दें। उसके बाद नीचे लिखे मंत्र का जाप करके अपने ऊपर से बाएं से दाएं की तरफ पान के पत्तों का बंडल घुमाएं, दूर कहीं ले जाकर फेंक दें। ये उपाय करने के बाद आप जिसे वश में करना चाहते हैं उसके सम्मुख जाएं, ओम क्लीम कृष्णाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। कई बार इंसान एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ वश में करना चाहता है और ऐसा ज़्यादातर ऑफिस आदि में ज़रूरत लगती है। आप जितने लोगों को वशीभूत करना चाहते हैं उतनी संख्या में सूखी सुपारी लें। अब एक सफ़ेद रंग के कोरे कागज़ पर उन सभी लोगों का नाम लिखें जिन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसा करने से भी आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।